अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SMI TV स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेक टॉक। नाज़रीन, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि तलबा को तालीम के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के मौके भी फराहम किए जाएँ। इसी सिलसिले में हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के तलबा के लिए मुख्तलिफ टेक कम्यूनिटीज़ मौजूद हैं जिनका हिस्सा बनकर वो अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखार सकते हैं। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब के बारे में और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अशारिब अहमद, जो कि 6th सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं और गुज़िश्ता एक साल से गूगल डेवलपर स्टूडेंट का हिस्सा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अशारिब। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, सबसे पहले तो अशारिब ये बताइएगा कि गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब है क्या? ओके, नाइस क्वेश्चन बाय द वे। सो फर्स्टली, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो जनरेशन जेड है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आज ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, इनकी ना बहुत सारे मसले मसाइल हैं और मसले मसाइल के साथ साथ इनके सारे इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। मसलों पे पहले बात करते हैं। मसले ये हैं कि हम लोग जब किसी भी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें शैतान होते हैं। अच्छा, मैं शैतान ना, ये जो जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं ना हमारे एम से, इनको शैतान कहता हूँ। अब जैसे कि ये जनरेशन जेड है, इनको अभी कुछ काम करने लगेंगे, इनको ना अपना इंस्टाग्राम भी चेक करना है, इनको अपनी कम्यूनिटी भी देखनी है, इनको अपने फ्रेंड सर्कल भी देखना है, इनको दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी होती है और इसको ना मतलब जो भी ये जब भी फोकस करना स्टार्ट करते हैं ना कोई चीज़ इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। इनको ना हर चीज़ का पार्ट बनना है एट द सेम टाइम। तो पहला तो ये मसला है। दूसरा ये मसला है कि आज के इस एरा में ना हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। लाइक अगर हम लोग इससे पहले वाली जनरेशन की बात करें, जैसे एक्स की, तो उनके ज़माने में लाइक हमारे अदर या हमारे ग्रैंडफादर के एज में, उनके एरा में तो कोई ऐसी कोई इतनी कंपटीशन था ही नहीं। कोई 10-12 लोगों में एक बंदे को अगर अच्छी खासी जॉब मिल जाती थी, लोग भाई उसको बोलते कि बाहर चले गया, यहाँ चले गया, ये वो। लेकिन आज के इस एरा के अंदर इतना कंपटीशन है कि लाइक हर एक स्टूडेंट एक ही क्लास के अंदर 5-5 स्टूडेंट, 6-6 स्टूडेंट एक ही चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो भी सब एक ही अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे जा रहे हैं। तो हमारे पास कंपटीशन बहुत। तीसरा ये है कि हमारी काम में एक्सेलरेशन बहुत आ गई है। लाइक हम जो पहले चीज़ें डिस्कवर होने में टाइम लगता था, अब डाइवर्सिटी इतनी इंक्रीज हो गई है कि हर हम लोग लाइक सोते हैं, सुबह उठते हैं, पता लगता है कि एक और चीज़ आ गई है। टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लाइक आप कुछ भी चीज़ स्टेबल रहती नहीं है। हम लोग बस हमें अगले ही मोमेंट का नहीं पता होता कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई और टेक्नोलॉजी लॉन्च भी कर दी है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अगर कोई वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, उसके भी स्टेबल वर्जन नहीं होते। तो ये तो हमारे पास बहुत मसले मसाइल हैं। इसके साथ साथ अब होता क्या है कि हमारे पास ना जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर भी देखें तो जितनी भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो मोस्टली फोकस करती हैं थ्योरेटिकल वर्क पे। जितने भी हों, स्टैनफर्ड से ले लें, हाँ दे आर मोर टूवर्ड्स प्रैक्टिकल साइड, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर किसी और कंट्री से कंपेयर करें तो, बट अगर सिर्फ उन पर पर्टिकुलर फोकस करें तो वो भी इतना कोई फोकस नहीं करते थियोरेटिक उस पर, प्रैक्टिकल वर्क पे। अब होता क्या है कि जब आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं या कुछ भी आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने जाते हैं, तो दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर लाइक वॉट यू हैव बिल्ड। अब आपने जब पूरा अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर सिर्फ फोकस किया हुआ है उसके ऊपर कि सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, ये चीज़ें काम कैसे करती है और कुछ बना नहीं रहे, तो फिर लाइक आपको क्या लगता है कि आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकें। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं जो कि देखें, मैं यूनिवर्सिटीज़ को ये नहीं बोलता कि लाइक आई लिटरली अप्रिशिएट व्हाट यूनिवर्सिटीज़ आर डूइंग। वो हमें एक पर्टिकुलर करिकुलम से लेके गुजारती हैं, बिल्कुल एक फॉर्मल वे होता है एंड दे आर डूइंग ग्रेट। बट इसके अलावा भी लाइक कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सॉफ्ट स्किल नहीं सिखाती। तो ये सारी चीज़ें जो ये सारी लैकिंग्स आ रही हैं, ये कवर करते हैं हमारे कम्युनिटीज़, जो कि स्टूडेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ होती हैं, या फिर किसी भी किस्म की बस कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे पीयर टू पीयर लर्निंग को सपोर्ट किया जाता है। गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब इज़ अ यूनिवर्सिटी बेस्ड चैप्टर हु ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। हमारा मेनली फोकस यही होता है। जहाँ भी गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब का नाम आएगा, बस वहाँ पे लोग ये टाइटल ज़रूर आएगा कि इट्स गोइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सही। आप बताइएगा कि आप किस हैसियत से इस वक्त गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब की मैं बात करूँ काम करें, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कैसे आप हिस्सा बने ताकि जो स्टूडेंट्स आइंदा आने वाले हैं उनकी रहनुमाई हो सके। ओके, सो नाइस क्वेश्चन। सो
इसका ना हमारे पास होता यह है कि लाइक हम लाइक आई एम करंटली परसुइंग एज अ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड, लाइक मैं इस पूरे चैप्टर को लीड कर रहा हूँ SMIU के अंदर। ये इस चैप्टर का दूसरा साल है, लास्ट टाइम इनको जुबैर लीड कर रहे थे। इसके अलावा जो जो लीड्स होते हैं ना, इनको सिलेक्शन होती है बाय गूगल, लाइक गूगल की अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके अपने HR के बंदे होते हैं, उनके अपने मैनेजर्स होते हैं। वो बेसिकली इनका जो एक पूरा फॉर्मल वे होता है वो ये होता है कि वो उनकी एप्लीकेशंस आती हैं, आप उनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब की, वहाँ पे और भी कम्युनिटीज़ होती हैं, आप उसमें देखते हैं एप्लीकेशन का एक टाइम स्लॉट होता है, इसमें आपको एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। उसके बाद जाके वो आपको, अगर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो एप्लीकेशन के बाद आपको ई मेल आती है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है फॉर द नेक्स्ट राउंड, और आपको उसी वक्त रिजेक्शन की भी ईमेल आ सकती है। सेकेंडली फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है जो कि गूगल खुद कंडक्ट करवाता है। वो इस तरह कंडक्ट करवाता है कि उनके लाइक पाकिस्तान के अंदर मोस्टली, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गूगल का ऑफिस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनडायरेक्टली और विद सम काइंड ऑफ लिंक गूगल को मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत गूगल की एक्टिविटीज़ हैं और गूगल पाकिस्तान में भी बहुत इन है। तो उनके मैनेजर्स होते हैं जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, और वो होता है, लास्ट टाइम तो कोविड की वजह से वर्चुअल होता है, इस दफ़ा भी वर्चुअल हुआ है, लेकिन माइट बी जिन कंट्रीज़ में उनके ऑफिस है वहाँ पे फिजिकल भी होता हो। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू लिया था प्रदीप्ता शर्मा ने, जो कि साथ साथ से गूगल में काम कर रहे हैं, और उससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में थे। उसके बाद लाइक इस तरह ही मैंने अप्लाई किया था, और इसके बाद फिर उन्होंने मुझे सिलेक्शन की ईमेल भेज दी थी। लेकिन मेरा इससे पहले भी डेवलपर स्टूडेंट क्लब से लिंक था, क्योंकि मैंने एज आई टोल्ड यू कि जुबैर लीड कर रहे थे। तो इनका ना पूरा स्ट्रक्चर होता है, लाइक गूगल जब आपको एक लीड बनाता है तो वो सिर्फ आपको लीड बना के आपके ऊपर नहीं छोड़ देता है कि यू आर जस्ट सपोज टू डू इट बाय एवरीथिंग बाय योर ओन। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा फ्री हैंड होता है, आपको जो करना चाहें, अगर आप टेक्नोलॉजी से बाहर जाके भी कुछ काम करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लाइक इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, गूगल आर नॉट गोइंग टू बाउंड यू फॉर समथिंग। तो ये इस तरह होता है, लेकिन उनका एक पूरा एक करिकुलम होता है जिसको आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। तो उन्होंने एक पूरा टीम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है कि आप लीड बनते हैं जो कि गूगल सेलेक्ट करता है, एंड देन ऑनवर्ड्स जितनी भी आपकी टीम होती है ना, एक तो उस टीम को जिस तरह डाइवर्स करना है वो भी आप पे ऊपर होता है, लेकिन वो आपको सजेस्ट कर देते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। तो लीड के बाद होती है उनके अम्ब्रेला के अंदर आते हैं उनके कोर टीम मेम्बर्स। कोर टीम मेम्बर्स का काम ये होता है कि जो गूगल इंडोर्स करता है हमारे लीड्स को, जितने भी लीड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक 43 लीड्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली एक मिस कर गई थी तो अब 42 है। तो वो इनको इंडोर्स करता है, देन वो अपने आगे इम्प्लीमेंटेशन अपनी प्लानिंग्स अपनी कोर टीम्स के साथ करते हैं, एंड देन मैंने जो अपने क्लब बनाया है उसमें मैंने कोर टीम के बाद हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, लेकिन मोस्टली हमारे जो पाकिस्तान में चैप्टर्स हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जस्ट कोर टीम तक ही उसको लिमिट कर दिया। लेकिन मैं चाह रहा था कि लाइक जितने भी स्टूडेंट एज मच एज पॉसिबल इसमें इंगेज हो सके, हम उनको कर सके, तो इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर देम, क्योंकि उनके लिए लाइक अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं जस्ट कि यार वो काम कर रही है, तो आप में वो इंटरेस्ट नहीं होगा कि अनटिल अनलेस यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और आपके जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप भी कर रहे हैं उनके साथ साथ, और लाइक वो जो भी ऑर्गेनाइज चीज़ें करवा रही हैं या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं आप भी उन पर फोकस कर रहे हो। इसी तरह उसके बाद हमारे कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं, फिर इसके अलावा हमने मेंबर्स भी स्टार्ट किए हैं। तो ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है। लास्ट टाइम मैं जुबैर की टीम में, जब से ये SMIU क्लब बना था DSC चैप्टर, तब से मैं जुबैर की टीम में एज अ कोर टीम काम कर रहा था मशीन लर्निंग डेवलपर। और उसके बाद लाइक जुबैर ने लाइक हम लोगों को सबको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया और बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करा कि आप लीड्स के लिए अप्लाई करें, देन आई अप्लाइड फॉर द लीड और अल्हम्दुलिल्लाह आई सिलेक्टेड फॉर दिस। ओके, अच्छा ये बताइएगा थोड़ा सा मज़ीद, अगर मैं आपको कहूँ कि इस जो ये पूरा क्लब है स्टूडेंट गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, इसमें प्रोजेक्ट्स किस तरह के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड के नहीं हैं, तो उनको उनकी रहनुमाई हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि किस तरह वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब चीज़ों में, और क्या क्या एक्टिविटीज़ मज़ीद होती हैं, क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके फाइन, देखें सबसे पहले ना हम लोग कोई भी चीज़ काम कर रहे होते हैं ना, हम उसका रिवॉर्ड देख रहे होते हैं कि हमें मिल क्या रहा है, लाइक आई एम इफ़ देर इज़ समथिंग आई एम पुटिंग एफर्ट्स ऑन, तो मुझे उसके रिवॉर्ड में मिल क्या रहा है। मोस्टली पीपल आर नॉट जस्ट टूवर्ड्स द मनी, बहुत सारे लोग लाइक उनको, कुछ लोगों को विजिबिलिटी का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों को नेटवर्किंग बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह जब आप डेवलपर इन कम्युनिटीज़ का, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ डेवलपर स्टूडेंट क्लब, इसी तरह करके हमारे पास और भी कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन जो मेनली जनरलाइज सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है। तो आप जब भी किसी भी कम्युनिटीज़ का पार्ट बनते हैं,
नो मैटर कि अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं करती हो, इट इज़ गोइंग टू बी अ सोशल एक्टिविटी और समथिंग, तो उसमें भी होता ये है कि जब आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, आपको इन टर्म ऑफ रिवॉर्ड में मनी नहीं मिलती, लेकिन आपको वो ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि आप बोलते हैं कि लाइक यार मैं इसमें खुश हूँ भाई, मुझे ये लाइक पैसे वाली चीज़ें चाहिए भी नहीं। उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है कि सबसे पहले अच्छी होती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज समथिंग लाइक अगर मैं अपने आपकी बात करूं और जब मैं इस क्लब का पार्ट नहीं था, इससे पहले अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे नहीं लगता था कि अगर कोई भी उसमें मार्केट के अंदर बैठा हुआ बंदा एंटरप्राइज कंपनी चला रहा है और वो मुझे आके बात करे, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो मुझसे बात करे। बट नाउ आई एम हैविंग अ कनेक्शन इन गूगल और ऐसी ऐसी टेक जायंट्स में जिनको मैं जस्ट एक मैसेज करता हूँ और दे आर सपोज टू, क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि वो मुझे विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट एज सून एज पॉसिबल फॉर देम वो मुझे रिप्लाई करें। लाइक ये होती है नेटवर्किंग। इसी तरह ही हमें पता लग जाती है इंडस्ट्री की के मतलब चल क्या रहा है, लाइक उनके क्या बायलॉग्स हैं, इंडस्ट्री काम किस तरह करती है। क्योंकि एज आई सेड के हम अच्छा एक बहुत बड़े डेटा साइंटिस्ट हैं ज़ीशान उल हसन पाकिस्तान में, लाइक ही इज़ द ओनली वन जो कि केगल पे मास्टर्स है और उनके अलावा पाकिस्तान में और दूसरा है ही नहीं कोई। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें हाईलाइट की थी कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों है। उसमें से मुझे उनकी सबसे बात वैलिड लगी वो ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारी जो इंटरप्राइज लेवल के मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है, इन्होंने आपस में लिंक नहीं बनाया। आई थिंक सो ऐसा एक रूल भी है पाकिस्तान के उसमें कि एक चंक होता है हर यूनिवर्सिटी हर इंडस्ट्री का, जो भी कोई भी कंपनी है उसमें उनको लाइक दे आर सपोज टू के ना एक चंक होता है कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपने कंपनी के अंदर इंटर्न नहीं रखें या फिर आप उनको एम्प्लॉयमेंट दें जो कि यूनिवर्सिटी में अभी स्टिल काम कर रहे हैं, लेकिन आप लाइक यू कैन एज्यूम इट बाय योर ओन और आप उसकी प्रोबेबिलिटी देख लें कि क्या स्टेट्स हैं कि कितनी हमारे पास कंपनीज ऐसी हैं कि उन्होंने ऐसा किया हुआ। कोई बहुत बहुत माइनॉरिटी होंगी जो कि बहुत अच्छी कंपनी होंगी सिर्फ उन्होंने। तो ये जो गैप है ना कि लाइक हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी यूनिवर्सिटी हमें अलग पढ़ाती है। लाइक अब मैं यूनिवर्सिटी को भी ब्लेम नहीं कर रहा कि लाइक यूनिवर्सिटी हम लोगों को नहीं सिखाती, कोई भी आपको कुछ नहीं सिखाता। यू आर नॉट सपोज टू वेट फॉर समवन के वो आपके पास आए और आपको स्पून फीड करे। यू आर सपोज टू डू इट बाय योर ओन। लाइक आपको जो भी चीज़ें करनी है आपको सब कुछ खुद करना है। अगर आप और कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अच्छी लाइक उनके लिए एक प्रिविलेजिज्म कह लें आप समथिंग कि हमें तो किसी चीज़ पे बॉन्ड भी नहीं होता, वी जस्ट नीड आर कंप्यूटर। तो इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है आपको पढ़ने के लिए, आपकी जस्ट एक्सप्लोरिंग पावर होनी चाहिए, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने और वो हमारी मार्केट ने वो जो एक लिंक नहीं बनाया, वो लिंक और वो जो गैप है वो ये DSC कवर करते हैं। इसके अलावा लाइक मैंने आपको बताया कि हमारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है, हमें मार्केट के पता लग जाता है कि किस चीज़ की डिमांड है और क्या चीज़ चल रही है। इसके अलावा हमारी सॉफ्ट स्किल पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, लाइक हमारी बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाती है इन अ सेंस ऑफ अगर आप कम्युनिटी के पार्ट बनते हो, आप रोज़ाना लोगों से मिल रहे हैं, आप अपनी लाइक अगर बिल्कुल सॉफ्ट स्किल की बात करें तो अपनी ड्रेसिंग को देख रहे हैं कि मैं किसी के सामने जा रहा हूँ और मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह बोल रहा हूँ एंड ऑल दीज थिंग्स, तो आपकी सॉफ्ट स्किल पे बहुत ज़्यादा लाइक इम्प्रूवमेंट आ जाती है कि आप किस तरह लोगों से बात करें। इसके अलावा लाइक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि अगर मैं किसी कम्युनिटी का पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं किसी कम्युनिटी का पार्ट नहीं हूँ तो यू कैन नाउ अज्यूम कि हमारे पास कितनी सारी लैकिंग होगी कि मेरे इंडस्ट्री से लिंक नहीं है, ये नहीं है। तो अब मैं जाके अगर अपने रेज्यूमे पे लिखता हूँ कि लाइक आई एम अ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड, तो विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी इम्पैक्ट ऑन माई पोर्टफोलियो। अगर मैं कहीं अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो वो लाइक अगर उस मेरे रेज्यूमे पे लिखा हुआ है तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है ये चीज़ें करना। इसके अलावा हमें जब इंडस्ट्री का हमें लिंक होता है तो हमारी जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हमें पता होता है कि यार मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और क्या मार्केट में आने वाला है, तो हम उस हिसाब से अपने उन चीज़ों को ही काम कर रहे होते हैं कि भाई हमें पता लग जाए। अच्छा फॉर एग्जांपल इसमें मुझे लाइक मैं एक अच्छा कोडर नहीं हूँ, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ गुड कोडर इन स्टिल आई एम इन कंप्यूटर साइंस, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी। जब मैं कम्युनिटी में आया, मैंने अपने आप को और एक्सप्लोर किया, फिर मुझे आके पता लगा कि मुझे कम्युनिटी मैनेजमेंट और ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है एज़ कम्पेयर टू कोडिंग। तो मैं इस तरह थोड़ा डाइवर्स हो गया कि नाउ आई एम लुकिंग फॉर सम जॉब्स और समथिंग कि मुझे कम्युनिटी मैनेजमेंट और मैनेजर टाइप की जॉब्स मिले। तो
आप अपने आप को भी एक्सप्लोर करते हो, आप लोगों को भी एक्सप्लोर करते हो, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा। ये जो आपकी लर्निंग एक्सेलरेशन पावर आपकी जो जिसमें एकदम से इंक्रीमेंटल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। आप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हो, एज आई सेड टू यू दिस बिफोर, कि आप कहीं जाते हो तो आपको ये नहीं पूछते कि आपने कितना थियोरेटिकल पढ़ा है, कि आप बैठे हैं और हमें ये लॉस समझाएं और समथिंग। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट यू हैव बिल्ड, आपने बनाया क्या है। एंड इफ़ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द थियोरेटिकल साइड और आपको बस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू कि आपने कुछ अपने लाइफ में कुछ ऐसा बनाया हो विच इज़ गोइंग टू बी क्रिएट एन इम्पैक्ट। इसके अलावा इनके और बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, लाइक इवेंट इन अ सेंस ऑफ वो हैकाथॉन्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैकाथॉन्स होते हैं, लाइक हम लोगों ने भी ऑर्गेनाइज करवाए थे। और इसके अलावा कोलैबोरेशन होती हैं, जो कि लाइक हम लोगों ने अराउंड कोई अभी 45 प्लस समथिंग इवेंट्स करवा चुके हैं। इसमें हम लोगों ने कोलैबोरेशन की है विद इंटरनेशनल चैप्टर, नेशनल चैप्टर। पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है आई थिंक सो जहाँ पे DSC चैप्टर एग्जिस्ट करता हो, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं किया हो। ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, लाइक अगर अब मैं हूँ, अगर मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी रेगुलर पंक्चुअल हूँ और मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे ये चांस मिलेगा कि मैं बाकी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर सकूं। तो अब ये हम लोग ये क्लब जो एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ इट, तो आप जाहिर सी बात है जब उस एक्टिविटीज़ का पार्ट हैं तो फिर आप लोगों से मिल रहे हैं, आप मल्टी डाइवर्स कल्चर देख रहे हैं कि मतलब कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या क्या फील्ड में चल रहा है। इसके अलावा भी लाइक अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूँ कि लाइक व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, तो हमें खासा टाइम ख़त्म हो जाएगा और लाइक हम लोगों को वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर, बस आप इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप उसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, अच्छा, क्योंकि बीइंग अ गर्ल अगर मैं बात करूँ तो इस तरह की जितनी भी फील्ड्स होती हैं तो देखा गया कि बड़ा कम इंटरेस्ट होता है लड़कियों की तरफ से, तो उनके लिए क्या मौके मौजूद हैं, वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती हैं? इस हिसाब से भी गूगल ने इनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिए, लाइक बहुत ज़्यादा, एंड आई एम सो ग्लैड। मैंने जितनी भी आपको कम्युनिटीज़ बताई या फिर और भी हैं इसके अलावा, लाइक अगर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, कोई भी कम्युनिटीज़ मुझे आज तक ऐसी नहीं याद कि जो सिर्फ बॉन्ड हो, कि वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ आ सकते हैं, लाइक गर्ल्स कांट बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन फॉर ओनली सेक ऑफ गर्ल्स और वुमेन साइड, गूगल की है वुमेन टेक मेकर्स, जो कि सिर्फ उनको एक वुमेन साइड देती है, लाइक उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करती है और वो है ही सिर्फ वुमेन्स के लिए, अ मैन कुडंट बी अ पार्ट ऑफ इट। और इसी लिए उनको एक सिक्योरिटी भी मिल जाती है, क्योंकि लाइक देर इज़ नो वन एल्स, बस आप हैं और लाइक आपके ही सेम जेंडर्स वहाँ पे हैं, तो लाइक आपको एक फ्री स्पेस भी मिल जाता है। इसके अलावा उनके, ये तो सिर्फ मैंने एक कम्युनिटी की बात की, ये एक कम्युनिटी है, इनके अलावा इनके बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आई एम रिमार्केबल, इसी तरह करके उनके स्पीकर सेशंस होते हैं, उनको इंडोर्स किया जाता है, उनको एक्नॉलेज किया जाता है अबाउट व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा भी लाइक गूगल इस चीज़ में बहुत अच्छा है, और नॉट जस्ट गूगल, लाइक बाकी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन, बट आई एम ऑल्सो डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ लीडिंग अ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, तो आई एम टेकिंग अ साइड ऑफ इट। लेकिन इफ फॉर अ टाइम बीइंग आई कैन टेक दैट कैप ऑफ टू मी, तो बाकी भी जितनी भी कम्युनिटीज हैं दे आर डूइंग ग्रेट ऑन दिस। लाइक हमारे, आई जस्ट रिमेंबर कि मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने एक चैप्टर पे ये चीज़ वो की थी, शेयर की थी, कि लाइक एक वो है स्कॉलरशिप्स ही, दे आर जस्ट फॉर वुमेन्स, लाइक, और मुझे नहीं लगता और कि ऐसी कोई होगी भी, और ना ही मैंने कभी देखी है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो कि सिर्फ बॉन्ड हो मैन तक के लिए और वो जेंडर बायस हो। बट फॉर द सपोर्टिंग साइड गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब का, लाइक ये गूगल का सिर्फ एक इनिशिएटिव है, एज आई टोल्ड यू द अनदर वन, के एक वुमेन टेक मेकर थे, इस तरह ही करके उनके बहुत सारे अलग इनिशिएटिव हैं, लाइक वुमेन गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स हैं, गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स हैं, गूगल एक्सेलरेटर्स हैं ये, और इस तरह ही गूगल डेवलपर ग्रुप्स हैं। तो हमारे पास होता क्या है कि गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स जो टाइटल है ना, यहाँ पे आपको मेंटोरशिप मिल जाती है, लाइक जो भी आप टेक्नोलॉजी में अपने स्किल्स रखते हैं और आप उसको और पॉलिश करना चाहते हैं, तो आप उनको लाइक आप उस टेक्नोलॉजी का जो एक्सपर्ट है, आप अगर उसके मेंटोरशिप में आ जाएँ तो इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू बहुत ज़्यादा। और इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर ऑर्गेनाइजिंग बूट कैंप्स, वी आर ऑर्गेनाइजिंग हैकाथॉन्स, वी आर ऑर्गेनाइजिंग सॉल्यूशन चैलेंज इज समथिंग, हाँ वुमेन टेक मेकर्स पे, लाइक हमारे एक लास्ट टाइम
किंजा जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी कराची की है, उन्होंने एक हैकाथॉन विन किया था जो कि उन्होंने बनाया था, गूगल ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। उन्होंने पहले वो हैकाथॉन जीता, उसके बाद वो गूगल सॉल्यूशन चैलेंज में आई। वो गूगल सॉल्यूशन चैलेंज इज समथिंग जहाँ पे आप एक हर ईयर उनके अलग पॉलिसीज होती हैं। इस दफ़ा ये थी कि जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल हैं यूनाइटेड नेशन के, उनमें से किसी एक पॉइंट पे आपने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके गूगल की टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हुए कोई सॉल्यूशन लेके आना है। तो इस पे उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया था, वो जीत गए, पाकिस्तान से एक रिप्रेजेंटेशन मिली। एंड नाउ यू कैन इमेजिन के एक इवेंट हो रहा है लाइक जहाँ पे एक शख्स आ रहा है जिसको कहते हैं कि फादर ऑफ इंटरनेट, और उसके बाद एक टीम आ रही है वो पाकिस्तान से। तो जस्ट फील द चार्म के शी इज़ व्हाट शी हैड डन लाइक। उनके बाद फिर उनकी एक वीडियो गूगल ने पब्लिश कर दी ऑन इट्स ऑन यूट्यूब चैनल, लाइक बहुत ज़्यादा उनको विजिबिलिटी मिली। और अब तो वो माशाल्लाह कहीं काम भी कर रही हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट एआई वाली फील्ड में एफिनिटी के अंदर। तो वुमेंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं विद इन यूनिवर्सिटीज़। अगर हम बात करें अपनी यूनिवर्सिटी में, तो किस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकते हैं कि जो डिफरेंट और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नहीं पता होता इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में, तो क्या कैंपेन्स की जा सकती हैं ताकि उनका भी रुझान इस तरफ आए और वो पार्टिसिपेट करें, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से है या नहीं है? दिस इज़ समथिंग सो ग्रेट कि आपने मुझसे पूछ लिया। एक्चुअली डेवलपर स्टूडेंट क्लब लाइक इट्स अ कम्युनिटी और समथिंग जो कि ऑर्गेनाइज बाय है और पावर्ड बाय है एक ऐसी कंपनी से जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे वो करती है मोस्टली, उसका जो मोस्टली पार्ट है। लेकिन गूगल इज़ सपोर्टिव ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा। लाइक हम लोग ने जो अपनी टीम्स भी बनाई हैं, और लाइक सिर्फ हमारी अपनी टीम्स की बात करें तो हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट से हमारे पास मेंबर्स हैं। लाइक अरसलान अब्दुल्ला ही इज़ फ्रॉम मीडिया डिपार्टमेंट, वी आर हैविंग बहुत सारे लाइक इन्वायरमेंटल से साइंसेज से भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि मैनेजमेंट में काम करते हैं। क्योंकि एक कम्युनिटी होती है ना, वो सिर्फ एक अगर वो किसी मेन चीज़ पे फोकस करती है, एक अपनी पूरा जो उनका पाइपलाइन है उसको फॉलो करने के लिए उनको डेवलपर्स भी चाहिए, उनको वो लोग भी चाहिए जो कि मीडिया से रिलेट करते हैं, उनको वो लोग भी चाहिए जो कि मार्केटिंग में बहुत अच्छे हों। इसी तरह डेवलपर स्टूडेंट क्लब कांट स्टैंड आउट जस्ट ऑन डेवलपर्स और समथिंग। तो लाइक ये जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग डोमेन्स में काम कर रहे होते हैं, ये सब भी इसका पार्ट आराम से बन सकते हैं, और दे ऑल लाइक दे स्टिल आर अ पार्ट ऑफ। और हम लोगों ने किया ये था कि हम लोगों ने एम्बेसडर्स बनाए हर लाइक एज अ सी आर्स होते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो हम लोगों ने गूगल के इस चैप्टर के हमारे सीआर बनाए लाइक। तो हम लोग ने पूरी यूनिवर्सिटी की हर क्लास को टारगेट किया, हम लोग ने सबको इसमें इंक्लूड किया, और दे आर लर्निंग अलॉट। लाइक मुझे उनसे जो फीडबैक मिला लाइक दे आर सो मच पैशनेट अबाउट, दे आर सो मच एंथुजियास्ट व्हाट वी आर डूइंग। और इनफैक्ट देयर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो लोग हैं जो कि सीएस डिपार्टमेंट, उनके पास आइडियाज़ कम होते हैं, जो कि हमारे पास बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी नोट करी क्योंकि सीएस के लोग बस सिस्टम के सामने बैठे होते हैं, दे आर सो बोर्ड काइंड ऑफ समथिंग। लेकिन जो कि हम बाकी डिपार्टमेंट्स के देखते हैं तो हमारे पास अलग डोमेन्स ऐड होती हैं, हमारे पास अलग माइंड सेट्स आते हैं, तो हम लोग और चीज़ें और एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो कि हम लोग हमें हेल्प करती है इन अ वे टू डिलीवर अ थिंग लाइक, ये चीज़ें कंप्यूटर साइंस की कुछ लोगों को आती हैं लेकिन कुछ नहीं आती, तो इस हिसाब से भी हम लोग उन लोगों से हेल्प लेते हैं और वो लोग हमें बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ में कि लाइक हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो इस तरह करके लाइक गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब इज़ ओपन फॉर एवरीवन। टेक कम्युनिटीज़ की बात करें, और ये एक अच्छी बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी ना सिर्फ थ्योरेटिकल पर काम पर फोकस करती है जबकि प्रैक्टिकल पर भी करती है। तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, ये तो हम सबको पता है कि इस वक्त एक टेक्नोलॉजिकल एरा है, तो क्या फ्यूचर आप देखते हैं अगर ये जितनी भी टेक कम्युनिटीज़ हैं इन सब का? अब हमारे पास जितने भी ये ना व्हाट एग्जैक्टली के एसेंस होता क्या है हमारी इन कम्युनिटीज़ का, कि हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है ना, अब हम लोग जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को वो बहुत ज़्यादा
मतलब पहले ज़माने में ख़त्म हो चुकी थी और हम अब आके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने तो अपने बच्चों को तैयार करना था फॉर द फ्यूचर, तो हम इन टेक कम्युनिटीज़ का पार्ट बनते हैं। और जितनी भी जो टेक्नोलॉजी इमर्जिंग साइंसेज है हमारे पास, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ये सारी अभी हमारी यूनिवर्सिटी के जो सेवन्थ या एट सेमेस्टर्स के बच्चे होते हैं उनको भी अभी इन पे कमांड नहीं है। तो जब वो इन कम्युनिटीज़ में आते हैं तो वो इनको बहुत ज़्यादा लाइक अपने रूटीन में देख रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इनको लाइक अपना उनकी चीज़ें सीखते हैं समथिंग इस तरह करके। तो फ्यूचर तो बहुत है और यही कम्युनिटीज़ हैं जो कि इस फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट करती हैं। बिल्कुल अशारे, इन दी एंड मैं आपसे चाहूँगी कुछ आप अगर टिप्स शेयर करना चाहें फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन सच टेक कम्युनिटीज़। ओके, सो लाइक आप लोगों ने लाइक जो भी है हमारी जो ऑडियंस सुन रही है हमें, मैं ये कहता हूँ कि लाइक जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। आपको वी आर नॉट सपोज टू वॉट यू आर, आप हम लोगों ने वो नहीं हैं जो हम लोग अभी हैं, हम लोगों ने वो होना ही नहीं था। हम लोग वो शाहीन हैं, वो इकबाल की शायरी, वो सब कुछ वो जो उन्होंने कहा हम लोगों को वो बनना था, लेकिन हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं करे। तो जस्ट स्टैंड आउट फॉर इट, आप जो करना चाह रहे हैं लाइक वो स्टॉप इट फॉर द टाइम बीइंग और उन चीज़ों का पार्ट बने जो कि आपके लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। थैंक यू सो मच अशारे, आपने बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स के लिए रहनुमाई की उनकी और काफ़ी टेक कम्युनिटीज़ के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन फराम की। जी नाज़रीन, आज हमने बात की SMIU टेक कम्युनिटीज़ पर। उम्मीद करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो भी आपकी क्यूरीज थी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और गूगल डेवलपर स्टूडेंट ग्रुप के हवाले से, वो क्लियर हो गई होंगी। SMIU इसी तरह आपको थ्योरेटिकल वर्क के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क के मौके भी फराम करता रहेगा। SMIU TV स्टूडियो से अपनी मेज़बान अरीबा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।